breaking news. पुलिस मुठभेड़ में दबोचे 7 बदमाश, 4 घायल। बदमाशों को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। शनिवार को पेट्रोल पंप के मालिक के यहां हुई लूट को इन्हीं बदमाशों ने दिया था घटना को अंजाम। पुलिस ने 2 बदमाशों को थाना भुता क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था तथा वहां से भाग रहे 2 बदमाशों को थाना फरीदपुर क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। यह बदमाश दिल्ली के बताए जा रहे हैं। इनके लिए बरेली के 3 अन्य बदमाश रेकी किया करते थे। पुलिस ने उन 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में दबोचे 7 बदमाश, 4 घायल। चलते फिर रात में दारू पी हुए था या आकाश एकदम टूट था एकदम मैं कितनी इनके यार जी फिर दारू पी ली ये भी हां हो गया अशोक बहुत कश्मीर से कम करने तुम्हारी का 1 राउंड लगा दो अपना जो मिला ठीक है बोले चल ओके अब कितनी की है उसी पे हम लगे ये पहला है या अनेकों जान दिए मतलब जितनी दुस्साहस से किए हैं ये पहला नहीं लग रहा। ये जो गाड़ी इनके पास से बरामद हुई है वो टैक्सी प्रेस होगी 10-12 जोड़ी कपड़े रखना लंबे उसके लिए उसमें 2-3 मटमैले भी मैले कपड़े भी ऐसे लूटेंगे आगे चलते जाएंगे। हाँ 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 सर अच्छा अच्छा ओके बढ़िया तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार किए गए किस तरीके से सुराग रस्सी मिली और क्या क्या चीज इनसे बरामद हुई। थाना भूता क्षेत्र और थाना फरीदपुर क्षेत्र में कल 2 अलग अलग पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें कुल 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। पहली मुठभेड़ भूता थाना क्षेत्र में हुई जहां एक स्विफ्ट डिज़ायर को जब चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें से बदमाश निकले और फायर करते हुए भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी तथा उनसे असलहे कारतूस और एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बरामद हुई। भागे हुए दोनों बदमाशों के लिए पुलिस टीम ने कॉम्बिंग की और थाना फरीदपुर क्षेत्र में शेष 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए जिनमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है। इस तरह मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हुए हैं। इनके पास से कल पेट्रोल पंप ओनर की जो लूट हुई थी उसमें लूटे गए कैश का 49,000 रुपया, साथ ही साथ जो बैग जिसमें पैसे थे वो बैग, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उनसे रिकवर हुए। घटना में प्रयुक्त जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी जो दिल्ली नंबर की थी वो रिकवर हुई है। साथ ही साथ इनसे जब पूछताछ हुई तो ये 4 अपराधी 2 दिल्ली के थे और 2 नोएडा के थे। जब पूरी चीज़ें क्लियर की गई तो लोकल लेवल पे भी कुछ अपराधियों का इसमें रोल था जिन्होंने रेकी की थी और घटना करवाई थी। इसमें आकाश नाम का एक अपराधी जो भूता थाना क्षेत्र का था, रवि नाम का अपराधी और श्रीपाल, ये सब बरेली के रहने वाले थे। और जो 4 बाहर के थे उसमें सलमान, मनान, नाजिम और फाजिल, इस तरह कुल 7 अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए और घटना का सफल अनावरण पुलिस टीम द्वारा किया गया है। तो क्या ये लोग पकड़े गए हैं इनके साथ ही ये पहले से रैकी वहाँ पे किए हुए थे, इनका इनसे क्या लिंकअप है, किस तरीके से उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी? जैसा मैंने बताया कि आकाश और रवि इन दोनों ने थरो रेकी की थी। इस जो व्यापारी जिनके साथ लूट हुई थी इनकी रेकी की थी और इन्होंने इन 4 लड़कों को बाहर से बुलवाया था घटना कारित करने के लिए और ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड घटना थी जिसमें बाहर से बदमाश हायर किए गए थे। क्या कोई पुराना कर्मचारी भी शामिल था इस घटना में या? अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है, परंतु इनसे पूछताछ और जो डिवाइसेज हमें मिले हैं
उन पे हम काम कर रहे हैं, हो सकता है आगे और भी कई तथ्य इसमें प्रकाश में आए। खंगाला जा रहा है, सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, जो जहाँ का रहने वाला है वहाँ की टीम से हम संपर्क में हैं और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि किसी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में स्टेट में या स्टेट से बाहर इनके रोल हैं कि नहीं।